दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं में फैली खुशी की लहर। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2022 को पीछे छोड़कर हम साल 2023 में आ गए हैं, लेकिन बीता हुआ साल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही शानदार रहा। 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की, फिर दिल्ली एमसीडी में 15 साल से शासन कर रहे भाजपा को खदेड़ डाला और दिल्ली एमसीडी की सत्ता हासिल की। वहीं पहली बार गुजरात चुनाव में उतरने वाले आम आदमी पार्टी ने 13% वोट हासिल किए, साथ ही साथ उनके 5 विधायक भी बने। इससे पहले उन्होंने गोवा में भी 2 सीट हासिल की थी। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने इसी साल राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा भी प्राप्त कर लिया। राजकीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने तक का सफर आम आदमी पार्टी ने मात्र 10 सालों में पूरा किया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2022 आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही शानदार रहा। वहीं आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 चुनौतियों का वर्ष रहा है, लेकिन आशा और नवीकरण का भी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष हम सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। यह साल हमें और हमारे परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे। इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।